अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट और मदर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 4 है, जिसमें 10 आयतें हैं रुकू नंबर 4 में, और उनमें से हम 5 आयतों का मुताला आज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ, और साथ साथ तशरीह भी थोड़ी थोड़ी करती जाऊंगी मैं। इस रुकू में आयत नंबर 30 से ये रुकू शुरू हो रहा है, चौथा रुकू, और इसमें वाक़या आदम और इब्लीस बयान किया गया है, हज़रत आदम और इब्लीस का वाक़या। आप सब ने सुन रखा होगा, लेकिन आज कुरान पाक की रोशनी में सही तर्जमे के साथ आप लोग ये पढ़ेंगे, वाक़या आदम और इब्लीस। तो आदम अलैहिस्सलाम का तो आपको पता है, और इब्लीस जो है वो शैतान का नाम है। इब्लीस का मतलब होता है मायूस हुआ हुआ, जो मायूस हो चुका हो अल्लाह ताला से, अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस हुआ हुआ। अब लसाज इब्लीस उसे इब्लीस है शैतान। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गारे से बनाया, और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी, वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ताला ने फरमाया। तो इस रुकू में हम देखते हैं कि हज़रत आदम और इब्लीस के बारे में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने। अच्छा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज काला, वाइज और जब, काला कहा, और जब कहा रब्बू का तेरे रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं जायल उन बनाने वाला हूँ, बेशक मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी फी में, अलर्दी ज़मीन, ज़मीन में, खलीफा, खलीफा कहते हैं नायब को। जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि एक बादशाह है, वो अगर कोई इलाका फतह करता है तो वहाँ वो अपना नायब बना के किसी को भेज देता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे अपना खलीफा और नायब बनाकर भेजा, जिसने अल्लाह ताला के अहकामात को इस ज़मीन पे जारी और सारी और नाफिज करना था। तो इंसान को खिलाफत का बड़ा अजीम मनसब अल्लाह ताला ने अता किया, जो ना फरिश्तों को मिला और ना जिन्नों को, क्योंकि इंसान के आने से पहले फरिश्ते और जिन दोनों मौजूद थे, ज़मीन पर जिन मौजूद थे और आसमान पर फरिश्ते मौजूद थे। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला की मखलूकात 3 किस्म की हैं, एक नूरी मखलूक है जो फरिश्ते कहलाते हैं, दूसरी नारी मखलूक है जो आग से बनाई गई वो जिन है, और तीसरे अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, इसलिए इंसान खाकी मखलूक है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला ने खाकी मखलूक को इल्म के लिहाज से बाकी दोनों मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई। कालू फरमाया, उन्होंने कहा, आता जालू, कालू जमा का सीगा है, उन्होंने कहा यानी फरिश्तों ने कहा, आता जालू क्या तू बनाने वाला है, फीहा इसमें यानी ज़मीन में, आता जालू क्या तू बनाएगा, फीहा इसमें, मैं युफ़सिदू मन जो, युफ़सिदू फसाद फैलाएगा, फीहा इसमें, इस ज़मीन में जो फसाद फैलाएगा, ऐसी ऐसी मखलूक तू बनाएगा, वयस्फिकुद्दिमा और वो ज़मीन में खून फैलाएगा, यफ़सिकु फैलाएगा, बहाएगा, अद्दिमा खून, खून बहाएगा ज़मीन में। अब उन्होंने, फरिश्तों ने कैसे ये जान लिया कि इंसान ज़मीन पे खून बहाएगा, तो इसका मतलब है कि जो पहले ज़मीन पे मखलूक थी वो ये काम करती थी, जिसकी वजह से फरिश्तों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये भी ज़मीन पे रहने वाली मखलूक है तो ये भी ऐसे काम करेंगे। वनहनु और हम, नुसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दी का तेरी तारीफ़ के साथ, वनुकद्दिसु और पाकी बयान करते हैं अल्लाह का तेरी। और फरिश्तों ने कहा कि हम तो तेरी तस्बीह करते रहते हैं, तेरी तारीफ़ करते रहते हैं और तेरी पाकी बयान करते रहते हैं, और या अल्लाह तूने नायब अपना इंसान को बना दिया, खाकी मखलूक को, जो ज़मीन में खून भी बहाएगा, फसाद भी फैलाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा और नाफरमानी भी करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, काला फरमाया, इन्नी बेशक मैं, आलमों ज़्यादा जानता हूँ, माला तालमून जो तुम नहीं जानते,
तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उनकी बात के जवाब में फरमाया कि बेशक मैं ज़्यादा जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और ज़ाहिर है अल्लाह आलिमुल ग़ैब वश्शहादा है। फिर फरमाया वअल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, वअल्लमा और सिखा दिए आदमा आदम को अलस्मा नाम कुल्लहा सब के सब, यानी सारा इल्म हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया हर चीज़ के नाम, रहती दुनिया तक ता क़यामत जितनी चीज़ें इंसान ने इस्तेमाल करनी थी सब के सब नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखा दिए थे, बता दिए थे। सुम्मा फिर अरादा हम पेश किया उन्हें अलल मलाइकति फरिश्तों के सामने, फिर उन चीज़ों के नाम फरिश्तों के सामने रखे। उन फ़काला पस फरमाया अम भी उन्हीं बताओ असमाई हाउलाई, फिर वो चीज़ें हम फरिश्तों के सामने रखी और फिर पूछा कि अब इन चीज़ों के नाम तुम बताओ, इन सब चीज़ों के नाम हाउलाई जमा का सीगा इन, अगर कुन तुम हो सादिकीन सच्चे, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बता दो। तो नाम तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, फरिश्तों को तो सिखाए नहीं थे, इसीलिए तो आदम को बर्तरी दी गई फरिश्तों के ऊपर। तो कालू उन्होंने कहा सुभाना का तू पाक है, ला इल्मा लना नहीं है इल्म हमारे पास, इल्ला जो सिवाय मगर माँ जो अल्लमतना तूने हमें सिखाया। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह हमारे पास तो उतना इल्म है जितना तूने हमें सिखाया, हम इन चीज़ों के नाम कैसे जान सकते हैं। इन्ना का अंता बेशक तू ही अललीमुल हकीम, तू ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। अब फरिश्तों की तो आदत थी, उनका काम ही ये था अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी, उसकी तस्बीह बयान करनी, तो फौरन उन्होंने तस्बीह बयान कर दी, करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह तू ही इल्म वाला है और तू ही हिकमत वाला है, तो हम कैसे जान सकते हैं इन चीज़ों के नाम। काला फरमाया या आदम ओ आदम अम्बी हम बता दीजिए इनको बेअस्माई हिम इन चीज़ों के नाम। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आगे कर दिया कि आदम आप इनको बताएं इन चीज़ों के नाम। फलम्मा पस जब अम्बी हम बता दिए उनको बेअस्माई हिम उन सब के नाम, काला कहा अलम आ क्या लम नहीं, आ क्या लम नहीं अकुल लकुम अकुल लकुम अकुल मैंने कहा था लकुम तुम्हें या तुम्हारे लिए इन्नी आलम हूँ बेशक मैं ज़्यादा जानता हूँ गैबत समावाती वल अर्ध ज़मीन व आसमान की छुपी हुई बातों को। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि क्या मैंने ही कहता था तुमसे कि मैं आसमान ज़मीन व आसमान के गैब जानता हूँ। वालम और मैं जानता हूँ माँ जो तुब दूना तुम जाहिर करते हो, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो वमा कुन तुम वा और माँ जो कुन तुम हो तक तुम ओन छुपाते, और जो तुम छुपाते हो जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते हो सब मैं जानता हूँ। वाइस कुलना वा और इस जब कुलना हमने कहा लिल मलाइकति फरिश्तों से तिस जुदो सजदा करो तुम सब सजदा करो, जमा का सीगा है उस जुदो तुम सब सजदा करो ली आदमा आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू पर सब ने सजदा किया सब फरिश्तों ने सजदा किया सजदा ताज़ीमी इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के। अब इब्लीस जो था वो शैतान जो वहाँ पे अजादील था उस वक्त, तो अब इब्लीस उसको कहते हैं, तो उसने इनकार कर दिया और बाकी फरिश्तों ने सब ने सजदा कर दिया आदम अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें बताया। अबा इनकार किया वस्तकबरा और तकब्बुर किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया सजदा करने से और उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या किया, उसने कहा कि मैं तो खाकी मखलूक से ज़्यादा बुलंद मरतबा रखता हूँ, मैं तो नारी मखलूक हूँ, मैं कैसे इस खाकी मखलूक को सजदा करूँ। तो उसने अना में आके ज़िद में आके उसने इनकार कर दिया और फिर उसके बाद यह है कि वो इब्लीस बन गया, मतलब ये कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो गया। वा काना मिनल काफिरीन वा और काना है मिनल काफिरीन काफरों में से,
और वो इनकार करने वालों में से हो गया इब्लीस। ये सूरतुल बकरा के चौथे रकू की पहली पांच आयात में आदम इब्लीस और फरिश्तों का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अब ये वाक़या आगे चल रहा है। वाक़या आदम इब्लीस कुरान पाक की 7 सूरतों में बयान किया गया है और ये सूरह बकरा सबसे आखिरी मकाम है नज़ूल के अतबार से, जिसमें आदम इब्लीस का किस्सा हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुरान पाक की 7 और मुख्तलिफ सूरतों में इसका जिक्र बयान किया गया है, सूरह कहफ में, सूरह बनी इसराइल में, सूरह एराफ में, बहुत सारी जगहों पे आया है किस्सा आदम इब्लीस। तो इसकी तफसील बाद में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अभी आप बस ये लफ्ज़ों के मानी याद करें और ये समझने की कोशिश करें कि उस वक्त क्या हुआ था जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था। तसव्वुर में लाएं ज़रा कि उस वक्त क्या वो माहौल होगा और क्या मंज़र होगा जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी और फिर फरिश्तों को जमा किया, उनसे कहा कि आदम को सजदा करो। तो फरिश्तों ने कहा कि आपने ये क्या इंसान बना दिया जो ज़मीन पर फसाद फैलाएगा, खून फैलाएगा और लड़ाई झगड़े करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़्यादा जानता हूँ कि ये क्या करेगा वहाँ जाके। ज़ाहिर है अगर कुछ लोग फसाद फैलाएंगे तो ज़्यादा लोग इबादत भी करेंगे अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए कुरान पाक दे दिया कि इंसान इससे हदायत भी लेगा। बहरहाल फरिश्तों के कहने पे अल्लाह ताला ने, उनके एतराज़ पे अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को सामने किया और फरमाया कि इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने फरिश्तों ने उन चीज़ों के नाम नहीं वो बता सके। आदम अलैहिस्सलाम ने सबको नाम बता दिए। अब वो नाम क्या थे, हम देखें दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, जितनी इल्मी तरक्की है, इंसान हैरान रहता है देख के कि इतना इल्म फैल चुका है और इतना इल्म मंज़र-ए-आम पे आ चुका है कि हम लोग हैरान होते हैं कि ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, फिर इतनी जो एनर्जी के सोर्सेज, ये सारा कुछ कहाँ से आ गया, अल्लाह ताला ने कितना इंसान को इल्म दिया। तो ये सारा इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त अल्लाह ताला ने दे दिया था और आदम अलैहिस्सलाम ने फिर वो आदम अलैहिस्सलाम और आगे से उनके जो बच्चे थे उनसे ये इल्म दुनिया में फैला और आज इंसान इस मुकाम पे खड़ा है कि हर एक के दुनिया एक सबकी मुट्ठी में है। समझो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हर एक के हाथ में है पूरी दुनिया का इल्म। तो जो भी इंसान चाहे फौरन एक मिनट में सर्च कर लेता है और इल्म हासिल कर लेता है। ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की कुरान पाक को पढ़ने की, उसको समझने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।